हरदोई के टोडरमल ब्लॉक मुख्यालय से लौट रहे बाइक सवार अधिवक्ता और प्रधान के भतीजे को बोलेरो सवार लोगों ने रोककर पहले तो बांके से हमला किया, उसके बाद पेचकस घोंपा और फिर बोलेरो से कुचलकर उन्हें खाई में फेंक दिया। इस दौरान बाइक सवार तीसरे युवक को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। बुधवार को दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस सारे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। बताया गया है कि मझीला थाने के पारा गाँव निवासी 28 वर्षीय अधिवक्ता अमित शुक्ला पुत्र अनिल कुमार शुक्ला बुधवार को प्रधान नंदलाल कुशवाह के 32 वर्षीय भतीजे रमाकांत कुशवाह पुत्र शिवराम कुशवाह और उसी गांव के 30 वर्षीय संतोष कुशवाह पुत्र राम भरोसे कुशवाह के साथ सरकारी काम के सिलसिले में टोंडरपुर ब्लॉक मुख्यालय गए हुए थे, जहां से दोपहर को तीनों लोग बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी बीच चटिया पुल के आगे गोटिया गांव के पास सामने से आ रही बोलेरो सवार लोगों ने उन्हें रोक लिया। बताते हैं कि पहले तो गाली गलौज हुई, उसके बाद उन बोलेरो सवार लोगों ने बांके से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उन तीनों को पेचकस भी घोंपा के बाद बोलेरो से कुचलते हुए उन्हें खाई में फेंक दिया, जिसमें अधिवक्ता अमित शुक्ला और प्रधान के भतीजे रमाकांत कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संतोष कुशवाहा बुरी तरह जख्मी हो गया। इस सनसनीखेज वारदात का पता होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। इसका पता होते ही इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची। संतोष को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस सारे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।